पहले लगता था, फर्स्ट बार था तो डर लगता था, पर अब नहीं लगता। कब शादी के बारे में सोचे नहीं है और आगे क्या होगा नहीं होगा ये आप लोग देखिएगा। तब पर भी किस तरीके का कैटेगरी का मतलब कि लड़के चाहिए या फिर अब मगही इंडस्ट्री में काम करने वाला चाहिए? नहीं अभी नहीं पता हमको, मेरे मम्मी पापा जैसे शादी करेंगे वैसे ही करेंगे। तो मम्मी पापा के थ्रू छोड़ दिए है ना? आना चाहिए क्या अब वो लोग जानेगी ना, हम क्या कह सकते हैं। बहुत सारे ताना भी मारते हैं घर बगल में कि मॉडलिंग के क्षेत्र में अच्छा नहीं होता है, तो ये सब ताना कुछ नहीं, मेरा फुल सपोर्ट मिलता है गांव घर और मेरे फैमिली से भी। अच्छा, तमाम लड़कियां जो कि इस क्षेत्र में आना चाहती है, आप इतना दिन से काम कर रही है क्या कुछ कहिएगा? वेलकम टू इंडियन एक्स, मैं हूं नीतीश और इस वक्त आपको लेकर आए पटना खुशी हॉल। हमारे साथ जो शख्स देख रहे हैं शिवरन है और काफ़ी बढ़िया, जो कि मगही सुपरस्टार तमाम सिंगर के साथ काम करती रहती है और वीडियो भी काफ़ी चलता है, जो कि जिस तरीके का एक्टिंग करती है इनका एक्टिंग किया हुआ काफ़ी बढ़िया पसंद किया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से। और हमारे साथ इंडियन एक्स के माध्यम से तमाम मगही जितने भी हमारे भाई साहब है सबके माध्यम से इंटरव्यू आ रहे हैं, तो शिवरन जी हमारे चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे वीडियो देख रहे हैं उन लोगों पर नाम। अच्छा ये बताइए कैसे? बहुत अच्छे हैं। अच्छा लगातार इधर मगही गाने में धमाल मचाए हुए और जो कि जिस गाने में आप एक्टिंग करते हैं उतना सारे व्यू भी चले जाते हैं, क्या कुछ कहिएगा? क्या कहेंगे, ऐसे ही प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, बस आप लोग की वजह से जाता है। अच्छा शुरुआत में आप आए थे सेटअप पे तो देखे थे आप डर रही थी? हाँ तो डर रहे थे। और अभी कहीं ना कहीं फेमस हो गई है तो कैसा फील होता है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और इधर शूटिंग के बात कहें तो कहीं ना कहीं अनेकों सिंगर के साथ इधर मगही में स्टार के साथ शूटिंग हुआ, तो क्या कुछ बोलना चाहिए? क्या बोलेंगे, यही कि बस बहुत अच्छा लगता है, मतलब काम करने का मौका मिलता है तो थैंक यू जो भी हमारे काम देते हैं। मतलब कि काम करने का मौका मिलता है, किनके थ्रू आप यहाँ पे आए थे? हम रील बनाते थे। अच्छा उसके बाद कैसे संपर्क हुआ? तो रील बनाते थे तो कौशल सर से संपर्क हुआ था, आशीष सर से भी हुआ था तो बिल्कुल हाँ, तो और कौशल भैया का आज सेटअप लगा हुआ है जो कि प्रमोद प्रेमी तमाम जितने भी मगही सिंगर है सबका, और कहीं ना कहीं तो हमारे जम्मू से है कौशल भैया, तो क्या कर रहे हैं मेरा मोबाइल तो इधर छेड़ रहे हैं मारा मारा तो मोबाइलवा कने रख ले लो मारिए। तो हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि वायरल हैं और शिवरन जी हैं। अच्छा शिवरन जी बताइएगा कि शुरुआत में आप आए थे तो कहीं ना कहीं बहुत डर रही थी, जो कि इंस्टाग्राम पे डांस करना है अपने आप में तो अलग करना वहाँ पे कुछ नहीं दिखता है, लेकिन सेटअप पे उतना सारे सेटअप आदमी के साथ काम करना वो डर लगता है, क्या कुछ कहिए? पहले लगता था, फर्स्ट बार था तो डर लगता था पर अब नहीं लगता। अच्छा तमाम लड़कियाँ जो कि इस क्षेत्र में आना चाहती है, आप इतना दिन से काम कर रही है क्या कुछ कहिएगा? आना चाहिए क्या अब वो लोग जानेगी ना, हम क्या कह सकते हैं। बहुत सारे ताना भी मारते हैं घर बगल में कि मॉडलिंग के क्षेत्र में अच्छा नहीं होता है, तो ये सब ताना कुछ नहीं, मेरा फुल सपोर्ट मिलता है गांव घर और मेरे फैमिली से भी। अच्छा आप लगातार जो वायरल हो रहे हैं और क्या कुछ पब्लिक को धन्यवाद करना चाहिए? यही कहेंगे कि फुल सपोर्ट बना के रखिए और ऐसे प्यार देते रहिए जितना फुल सपोर्ट बना के रखिए और कहीं ना कहीं इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। क्या लगता है कि धीरे धीरे इस तरह इंडस्ट्री में काम करती रहिए तो कल फिल्म तक भी ऑफर आएगा? अब देखिए आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो जरूर। अभी किनके साथ सेटअप पे थे आप? अभी कभी कौशल सर का सेट लगा हुआ था तो प्रमोद प्रेमी सर हैं और रोशन रोहित सर हैं, उन्हीं का शूट चल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, और हमारे साथ शख्स जो देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया है और जो कि काम करती रहती है मगही में। अच्छा वायरल भी बात कहें तो खूब वायरल हो गई है। अच्छा बताइएगा कि शिवरन जी आप पढ़ाई लिखाई कितना तक की है? ट्वेल्थ के बाद बहुत सारी लड़कियां इधर आईएएस है सब तरीके सब फील्ड में जाना चाहती, लेकिन क्या आपका मकसद था जो कि मॉडलिंग के क्षेत्र में आ गया? क्या मकसद रहेगा, बस अच्छा लगता था और क्या। और अच्छा बहुत सारे गांव में होते हैं कि मॉडलिंग के क्षेत्र में शादी ब्याह में दिक्कत भी होते हैं, क्योंकि अगर गांव के बात कहें तो थोड़ा भी खरोच देखते हैं लड़की का तो साजे पर त्योहार घूम के चल जाते हैं, क्योंकि आप ये गांव से बिलोंग करते हैं, अब मॉडलिंग में अनेकों सिंगर के साथ काम करते हैं तो कल चल के अगर वीडियो देखता है तो लोग कब शादी के बारे में सोचे नहीं है और आगे क्या होगा नहीं होगा ये आप लोग देखिएगा।
तब पर भी किस तरीके का कैटेगरी का मतलब कि लड़के चाहिए या फिर अब मगही इंडस्ट्री में काम करने वाला चाहिए? नहीं अभी नहीं पता हमको, मेरे मम्मी पापा जैसे शादी करेंगे वैसे ही करेंगे। तो मम्मी पापा के थ्रू छोड़ दिए है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आगे जाइए और मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी जितना भी चैनल के तरफ से सब के शुभकामनाएं हैं। और हमारे साथ इनका भाई भी है, बताइए शुरुआत में आए थे तो आप दोनों आए थे साथ में, क्या कुछ कहिएगा? क्या बोले? शुरुआत में आए थे तो क्या चीज़ की परेशानी करना पड़ा? कुछ नहीं। अच्छा तुलसी के साथ आप कोई वीडियो देखे थे जो कि आशीष यादव जी के गाने में काम किए थे? हाँ। बोलिए। हाँ बोले। तो कैसे काम मिला था? ऐसे ही बस। तुलसी से चक्कर उकर तो नहीं ना? है? इधर दिखाइए, देखिए। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, और बहुत सारे लड़कियां फ़ोन करती है मगही में जो कि बहुत सारी लड़कियां काम करना चाहती है। तो सिबरन नया नई आई थी तो ये भी डर रही थी सेटअप पे, क्योंकि रिस्ट बनाना गांव देहात में अलग तरीके का और अलग अलग ही बनाना तो वहां पे हो जाता है, लेकिन सेटअप पे डांस करना सकसकाती है सब लोग। लेकिन मगही में जो भी मॉडल आना चाहती है, जो भी लड़की आना चाहती है, सिबरन काफ़ी मेहनत करके आई है और कहीं ना कहीं आज नाम कमा रही है, तो इनका मेहनत है। और क्या कुछ कहिएगा आखिरी में हमारे इतना सारे चैनल से? भाई को भी पूछेंगे, बोलिए क्या कुछ कहिएगा भैया आपका, आपकी बहन जो इसमें काम करती है? काम करती है, अच्छा लगती है। इसको शुरू से ही लक्ष्य था कि मैं जाऊँ, पहले तो रील बनाती थी छोटा मोबाइल, मतलब ऐसे ही आओ कर मनोरंजन के लिए। फिर इसको घर से किस तरह सपोर्ट करा? घर से इसको फुलिंग सपोर्ट हम लोग करते हैं, जितना बनता है उतना करते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में जाने के बाद गांव में बहुत सारे ताना भी मारते हैं, क्या ऐसा भी देखने को मिला? हाँ बहुत मिलता है, बस हम लोग अपना फैमिली एक है तो हम लोग का हाथ इस पे है, बस सपोर्ट करते हैं, ये भी अपना मेहनत करती है, आगे बढ़ रही है, हम लोग का खुशी मिलता है। और शिवराज जी इधर आपका रील्स देखते हैं गजब तरीके का, क्या कुछ कहिएगा? मतलब आप ही के स्टाइल में, आप ही का स्टाइल में सोनम यादव के साथ एक ठो रील हम देखे। हाँ तो हम दोनों का गाना का शूट था तो रील बनाते थे। अच्छा बहुत सारे सिंगर के साथ काम करती है, कोई सिंगर का गाना याद है क्या? नहीं हम तो पहले ही बोले हमको सिंगिंग नहीं करना और नहीं करते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये आज किनके सेटअप पे किनके थ्रू आए थे? कौशल बोलिए, बोले भैया बोलने के। कौशल सर के थ्रू। अच्छा तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके कुछ बोलिए, तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहें इंडियन एक्स, मैं नीतीश कुमार, जय हिंद, जय भारत।